हाल ही दे विच रिलीज हुई पंजाबी फिल्म बूहे बारियां जो कि विवादां दे विच घिरदी नजर आ रही है। जी हां, पंजाबी फिल्म बूहे बारियां जो कि सिनेमा हॉल दे विच लग चुकी है अते लोकां दे वल्लों उस फिल्म नूं बेहद पसंद भी कीता जा रहा है, पर हुण मंग कीती जा रही है कि पंजाबी फिल्म बूहे बारियां नूं पूर्ण तौर ते बंद कीता जावे, क्योंकि इस फिल्म दे उत्ते जलंधर देहाती थाना आदमपुर दे विच परचा दर्ज कीता गया। FIR नंबर 129-23 धारा दे तहत मामला दर्ज किया गया अते इस फिल्म नूं पंजाब दे विच बैन करवाउण दी गल कही जा रही है। सारे सिनेमा हॉल दे मालक आप ही इस फिल्म नूं बंद कर देण, नहीं तां सारा समाज सारे सिनेमा हॉल दा घिराओ करनगे। इह कहना समूह रविदासिया समाज अते समूह बाल्मीक समाज अते समूह कबीर समाज अते समूह जथेबंदियां वल्लों उन्हां ने चेतावनी दित्ती है कि जेकर सिनेमा घरां दे वल्लों खुद इस फिल्म नूं बंद ना कीता गया तां उन्हां दे वल्लों सारे सिनेमा घरां दे बाहर जिहड़ा कि प्रदर्शन कीता जाएगा। सो सारे सत्कारयोग साथियों नूं दास वल्लों जय गुरदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो 15 सितंबर नूं एक पंजाबी फिल्म रिलीज हुई है बूहे बारियां, जिस विच मेन अदाकार नीरू बाजवा, जिसकी जिहड़ी कंपनी भी उहदी अपनी कंपनी है। सो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ते लेखककार ने भोरा जिहा भी कोई समाज प्रति यह नहीं सोचा भी ये शो तो करना चाहते थे भी श्री गुरु रविदास महाराज तस्वीर ला के पहली बार कोई पंजाबी फिल्म आई है जिस विच के गुरुआं की फोटो लाई है। उस दे नाल जिहड़ा एक होर इन्हां चीज दिहाड़ी है भी वह लड़की जदों गुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी नूं मत्था टेक के काम ते जांदी है, काम भी की करती है भी एक किसी सरपंच के घर उत्थे पोचे का कूड़ा का करकट उपले गोहे का वह साफ लफ्जा में उन्होंने यही कहा भी जिहड़े तुसीं लोक आ भी जिहड़े साडे घरां दे विच कूड़ा ते गोहा चुकण वाले लोग आ तुहाडी बराबरी जिहड़ी आ तुसीं नहीं कर सकते। सो जदों बीबी सारियां जिहड़ियां बजुर्ग औरतां आ इकट्ठियां हो गए यह सोचदियां भी आपां जे सरपंच सानूं इदां कहा ते आपां इलैक्शन लड़ीए तां उहने सरपंच ने कहा भी तुहाडी जिहड़ी आ जिहड़ी जुत्ती आ तुसीं लोग जिहड़े साडी पैरां दी जुत्ती ते बराबर आ, तो सो तुहानूं साडे पैरां दी जुत्ती विच रहिणा चाहीदा, साडे सिर दे उपर नहीं होणा चाहीदा। सो बड़ा कुछ उहदे विच फिल्म 'च दिखाया गया, जबर जनाह भी जिहड़ा आ एक लालच दे के उहनां दी जिहड़ी मजबूरी दा फायदा लै के समाज नूं टारगेट करके वह दिखाया गया, जिस विच सीधा सीधा रखदा सी समाज के उपर जिहड़ा अटैक किया गया। सो यह चीज़ नूं असीं जिहड़े साथी कोई बर्दाश्त नहीं किया, आदमपुर दे विच भी जिहड़ा 129 नंबर SC Act का परचा जिहड़ा आ उहदे उपर दर्ज कराया गया डायरैक्टर प्रोड्यूसर लेखक ते अदाकारा दे उपर। सो मैं सारिआं नूं इही बेनती करदा वी जिन्ने साडे पंजाब दे लोक आ, जिन्ने महापुरश आ महापुरश आ ये पूरे पंजाब दे विच हर जिले दे विच जिहड़ी FIR हुण दर्ज होगी आदमपुर दे विच, सो एक अमृतसर दे विच भी होई आ। सो तुसीं हुण जिहड़े अपना फर्ज बनता सारिआं दा भी आपां श्री गुरु रविदास महाराज नूं पहरा दे के, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पहरा दे के, गुरु नानक महाराज दा पहरा दे के भी आपां इह चीज़ां जिहड़ियां बंद कराईए जिहड़ी समाज दे विच दो फड़ करदी है, क्योंकि उह फिल्म देखण तों बाद ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੋ ਫੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਬਾਈ ਵਿੱਚ 52 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਨਿਜ਼ਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਕਰਨਾ ਦਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗੁੱਗਾ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੈਨਾ ਜੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿਰਮੇ ਹਾਲ ਆ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ TV ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।